आज भी नर्वस होती हूँ। तारक मेहता फेम बबीता जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता हार्डकोर एडवेंचर लवर हैं। मुनमुन ने हाल ही में अपनी 4 साल पुरानी एक ट्रिप से जुड़ी यादें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में वे तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो ट्रैक पर गई थी। हालांकि इस दौरान उन्हें एंजाइटी और पैनिक अटैक आए, जिसकी वजह से उन्हें यह ट्रैक बीच में ही छोड़ना पड़ा। एक पोस्ट शेयर करते हुए मुनमुन ने लिखा, 4 साल पहले मैं तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो ट्रैक पर गई थी। इस ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने बिना किसी एक्सपीरियंस के माउंट किलिमंजारो समिट के लिए अटेम्प्ट किया था। हालांकि इस दौरान 20 ट्रैक में मुझे एंजाइटी और पैनिक अटैक आए थे, जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी घबरा जाती हूँ। 4 साल पहले जब मुनमुन ने इस ट्रैक का जिक्र किया था, तब उन्होंने लिखा था, लगातार 2 रातों तक क्लास्ट्रोफोबिया फील करने के बाद मुझे 2 दिन बाद अपने माउंट किलिमंजारो ट्रैक को बीच में ही छोड़ना पड़ा। मैं मेंटली और फिजिकली इस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में से एक थी। मुनमुन ने आगे लिखा, मुझे पता था कि मैं उम्मीद से जल्द टॉप पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन आप कभी भी आने वाली हर चीज के लिए तैयार नहीं हो सकते और मेरे मामले में यह क्लेस्ट्रोफोबिया का सीरियस इशू है, जिसे मैंने ट्रैक शुरू करने से पहले गिना नहीं था। खैर, पहाड़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस ट्रैक के दौरान मुनमुन एक रात टेंट के बाहर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। इसी के बाद उन्होंने इस ट्रैक को बीच में छोड़ने का फैसला किया। ट्रैक को छोड़ने से पहले मुनमुन ने सी लेवल से 12,000 फीट तक की ऊंचाई तय कर ली थी।